नई दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा, जनता को अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लेना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से पिछले कुछ सप्ताह से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और चुनाव पूरे होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होगी। कई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा समय में कच्चे तेल के दाम के हिसाब से पेट्रोल डीजल का रेट तय किया जाता है तो 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ICICI ने रिपोर्ट में कहा है कि 2 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से खुदरा तेल कंपनियों को लागत निकलने के लिए 16 मार्च 2022 या उससे पहले ईंधन की कीमतों में 12.1% लीटर की वृद्धि करनी होगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।